हेलो पीपल, दोस्तों स्वागत है आपका अरोरा इस चैनल पर। हम शुरू करने वाले हैं पार्ट वन ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो पहला यूनिट है आपके एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड सब्जेक्ट पे। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल एट अरोरा IAS पर, और वेबसाइट भी विजिट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल सपोर्ट मिलेगी आपको, गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी मिलेगी, और डेली मेड न्यूज़पेपर मेड इजी सीरीज भी है वहाँ पे। तो अब चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, जो बताती है हमें एसेंस ऑफ एथिक्स के बारे में, और क्या एथिक्स है, क्या मोरालिटी है, लॉ क्या है, बहुत सारे कुछ। पर हमें एथिक्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये बेसिक है, क्योंकि इतना कुछ पढ़ लिया यूनिट 7 तक और पता ही नहीं है कि एथिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे ये सब्जेक्ट है 250 मार्क्स के लिए और हमें 120 लेके आना है, नहीं ये तो बात नहीं है, कुछ अलग ही है इसके बारे में। क्योंकि देखिए, इसका यही मतलब है कि सोक्रेटिस ने ये कहा था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग करेक्टली। इसका मतलब क्या है, आप अगर आपके लाइफ को एग्जामिन नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं पूछेंगे, तो इस जीवन को ऐसे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो सोक्रेटिस यही कहते हैं। इसीलिए तो हर रोज़ आप जब सोने जाते हो तो आपको लगता है ना कि आज का दिन कैसे हुआ, आज का दिन अच्छा नहीं हुआ, वो नहीं करना चाहिए था मुझे, ये करना चाहिए था। तो यही है, आप एग्जामिन करते हो लाइफ को। इसीलिए तो एथिकल एंगल इम्पॉर्टेंट है कि आपने उस जगह पे, उस सिचुएशन पे क्या किया है, क्या वो सही है, आपके मोरालिटीज़ को वो सपोर्ट करती है, अगेंस्ट जाती है, या फिर सोसाइटी के को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आपने कुछ किया हुआ है। ये सब इश्यूज आप एग्जामिन करते हो। इसीलिए एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपको आपके जीवन के बारे में सारा कुछ ऑथेंटिक ये देगी कि आपने राइट किया है या फिर रॉन्ग किया है, आपने राइट करके क्या क्या मिलेगा आपको, और या फिर आपने कैसे आपके किसी और के जीवन को ख़राब कर दिया या फिर अच्छा कर दिया आपने राइट करके, या फिर आपने रॉन्ग करके क्या फ़ायदा हुआ किसी को, या फिर आपको कैसे फ़ायदा हुआ, ये सारे कुछ इसको सबको मिला के ही ये एथिक्स का पोर्शन डिज़ाइन कर दिया गया है। तो इसीलिए आप जब ब्यूरोक्रेट बनते हो, आपको तो सर्विस करना है पीपल को, पीपल के आमने सामने ही आपको बात होगी और उनके बीच में ही आपकी वर्किंग होगी। आप पंचायत भी देखेंगे, म्यूनसिपैलिटी भी देखेंगे, कितने सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे, लैंड भी देखेंगे, टैक्सेशन भी देखेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इतना कुछ देखेंगे, तो आपको तो एग्जामिन करना ही चाहिए कि आपके एक्शंस कैसे रहेंगे। तो इसीलिए एथिक्स, तो ये पहला चैप्टर होगा पहले कि एथिकल टर्म्स के बारे में देखेंगे। तो पहला ये है कि लीगल क्या होता है, लीगल ना कुछ और कुछ नहीं है, लीगल टर्म्स में क्या होता है। आप जब भी लीगल सोचते हैं आपको कोर्ट रूम याद आती है, हाई कोर्ट याद आती है, सुप्रीम कोर्ट याद आती है, तो यही है, रूल्स बेस्ड ऑन राइटनेस, राइट और रॉन्ग कोई और डिटरमिन करती है। कौन डिटरमिन कर रहा है यहाँ पे, हमारी जुडिशियरी सिस्टम डिसाइड कर रही है, तो वो लीगल होगा। अब मॉरल क्या है, मॉरल ये है कि आपने जो काम किया है, आपने अगर कुछ झूठ बोला है तो आप वो राइट अप्रोच में आएगा या फिर रॉन्ग अप्रोच में आएगा। आपने स्टीलिंग कर दिया है, आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है पर वहाँ पे आपको अफोर्ड नहीं हो पा रहा है मेडिसिन खरीदने का, आपने स्टील कर दिया, तो वो क्या मॉरली राइट है या रॉन्ग है, उसमें क्या वैल्यूज़ हैं। वैल्यू सिस्टम ये है कि ऑनर और मॉरलिटी को दोनों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके एवरी डे जैसे पास होती जा रही है उसमें कैसे आप ये मॉरल्स को यूज़ कर रहे हो, क्या वैल्यू सिस्टम चेंज हो रही है, उसके थ्रू वैल्यू सिस्टम्स बढ़ेगी। आप जब मॉरलिटी जब कल्टिवेट करोगे, मॉरलिटी कैसे जनरेट होगी, आपके अंदर की क्वालिटी है, आप देखते हो कॉटन्स को, मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं, आप कुछ समझ लेते हो और आप उसी सिस्टम को हार्डन करते जाते हो, हर रोज़ बढ़ता जाता है मॉरल सिस्टम, मॉरलिटी सिस्टम, और उसके थ्रू जो वैल्यूज़ जनरेट होते हैं, वैल्यूज़ लाइक व्हाट, टेम्परेंस, एंगर, ये से बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, इन सबको कैसे आप यूज़ करते हो राइटनेस के लिए, क्योंकि आपको फाइनली क्या सबके बीच में अच्छा ही तो बनना है, अच्छे के लिए कैसे वैल्यूज़ बनोगे, राइटनेस के वैल्यूज़ पे बनोगे, तो हर किसी का एक ही नहीं होगा। आपके लिए पैसे बहुत मतलब है तो आप क्या कुछ भी करके पैसे कमाने शुरू कर दोगे, तो ऐसे आपके लिए वैल्यू ऑफ मनी इज़ मोर,
तो वैल्यू ऑफ मनी इज मोर, सो द मोरालिटी विल बी डिफरेंट. किसी और के लिए मनी वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं है, चार लोगों के साथ अच्छे रहना है, उनको बस सोसाइटी को फिलान्थ्रोफी को मॉडल पे लेके जाना है, जैसे कि रतन टाटा करते हैं या फिर अजीम प्रेम जी करते हैं विप्रो के. तो ये सब दूसरे एंगल के हैं, स्कूल ऑफ थॉट के हैं, जो वैल्यू सिस्टम उनकी अलग ही होगी, जो वैल्यू सिस्टम वो बिलीव करते हैं. तो इंडिविजुअल पे बेस्ड ऑन योर वैल्यू सिस्टम, किसको वैल्यू ज़्यादा करते हो उसके थ्रू डिफरेंट होगा सबके अंदर वैल्यूज़. और एथिक्स क्या होता है, एथिक्स ये देखेंगे यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, राइट वर्सेस राइट. एथिक्स कभी भी ये नहीं बोलती है कि आपने ये गलत किया या फिर आपने ये सही किया. ये यही कहती है कि एग्जामिन करती है कि आपने ये किया, कि जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर्स के स्ट्राइक पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप पुलिस ऑफिसर हैं, वहाँ पे आपने कुछ क्या किया, लाठी चार्ज कर दिया डॉक्टर्स पे, वो भी सही है या फिर डॉक्टर्स को समझा दिया था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ ये बीच का रास्ता निकाल के आपने उस मैटर को रिजॉल्व कर दिया, वो भी सही है. तो वो राइट वर्सेस राइट है. पर पहले वाले सिचुएशन में जैसे आपने लाठी चार्ज कर दिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो ख़राब हो रही थी, वहाँ पे जस्टिफाइड था आपको लाठी चार्ज करना, वो सुन ही नहीं रहे थे, तो वहाँ पे एथिकल इश्यू क्या है, एक ह्यूमन को आप लाठी चार्ज कर रहे हो, उनको उनके भावना को आप समझ नहीं रहे हो, उन वो जब व्यूज़ को पुट करना चाहते हैं आप सुनते ही नहीं हो, आपके अंदर पेशेंस कम रही है, आप एक एक्सट्रीम स्टेप भी ले रहे हो. दूसरे केस में क्या हुआ, आपने रिजॉल्व कर दिया, उसमें क्या हुआ, पर ये गारंटी नहीं है कि रीअकरिंग नहीं होगा, या फिर बहुत सारे डिमांड्स को आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके थ्रू क्या नुकसान होगा गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये भी तो एक और अप्रोच है. तो इसीलिए कहते हैं कि एथिक्स राइट वर्सेस रॉन्ग नहीं है, ये राइट वर्सेस राइट ही है, क्योंकि द थियरी अबाउट राइट एंड रॉन्ग तभी होगा जब आप इसको फाइनली लेके जाओगे. एथिक्स ये नहीं बताएगी आपने यही करना चाहिए यही नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ यही बताएगी आप ये करोगे तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा, और आप डिटरमिन करिए आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो. तो यही है. तो मॉरल्स और एथिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है. ये बाकी ये डेफिनेशन मैंने इसीलिए बताया आपको क्योंकि आगे जाके दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मॉरल और वैल्यू सेम है कि नहीं, मॉरल और वैल्यू सभी सेम नहीं है, आपको ये तो पता चल गया. अभी मॉरल्स और एथिक्स के बारे में डिफरेंस देखते हैं. मॉरल्स ये बताती है कि रूल्स आपको अच्छे से कंडक्ट करना है, आपको जैसे रामा इज़ अ गुड गाय वैसे बनना है, तो इसीलिए मॉरल्स आपको ये प्रिंसिपल्स बताती है कि आप ऐसे रहना चाहिए. रामा इज़ गुड बाय भाई, वो कार्टून में देख लिया कि रामा कभी झूठ नहीं बोलता है, हर किसी को हेल्प करता ही जाता है, तो वही मोरालिटी है. आपको क्यों बचपन से एक एग्जाम्पलरी के थ्रू रिफॉर्मर्स और एक रोल मॉडलिंग कर दिया जाता है कि आप उसको उन लोगों को ऐसे लोगों को मानिए. जैसे मैं बचपन में थी जब मेरे पापा ने किरण बेरी जी को दिखा के एवरी टाइम ही यूज़ टू इन्फ्लुएंस कि देखियो वो कैसे कर रही हैं, उनको तो ये अच्छा नहीं लगता, वैसे करना अच्छा लगता है, लोगों को तिहाड़ जेल में कितना कुछ रिफॉर्म्स देखे हैं. तो वैसे रोल मॉडलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये मॉरल स्ट्रेट स्टैंडर्ड करने के लिए. तो ये कैसे होते हैं, प्राइवेट और पर्सनल होते हैं, ये अपने लिए होते हैं, सोसाइटी के लिए तो नहीं होता है. सब लोगों को किरण जी को ही मानना रोल मॉडल मानने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी का अलग अलग है. किसी को क्या ब्रूस ली अच्छा लगता है क्योंकि उनकी जो फील्ड से आते हैं, तो किसी को एक सेलिब्रिटी अच्छा लगता है तो उनकी अलग सोच है, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स उनकी अलग है. तो इसीलिए पर्सनल और प्राइवेट लेवल पे होता है. और इसको आप जब अध्ययन करते हो, किसी रोल मॉडल को आप देखते हो और मोरालिटी सीखते हो उनके उनके एक्शंस के थ्रू एंड ऑल दैट, उसकी वजह से क्या होता है, एक कमिटमेंट हो जाती है आपकी लाइफ में. जब किसी को देखते हो और उनकी तरह आप भी मिमिक करना चाहते हो, जैसे कि मोरालिटी क्या है, पर्सनल लेवल पे आप किसी चीज़ को मान लेते हो. तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि एक रोल मॉडल को आप जब मानते हो किसी को भी, मतलब आप दलाई लामा को भी मान सकते हो क्योंकि स्पिरिचुअल गुरु है एंड ऑल सच थिंग्स, तो एक कमिटमेंट हो जाती है कि हम भी डेडिकेट कर लें ऐसे वैल्यूज़ को हमारे जीवन पे. और एक इंडिविजुअल कैरेक्टर पे ही ये इन्फ्लुएंस करेगा और आपके कैरेक्टर में ही ये चेंजेस आते जाएगी. ये सोसाइटी पे कुछ इन्फ्लुएंस ऐसे नहीं रहेगा जब तक आप कुछ रिएक्ट ना कर पाओ. तब कि ये एथिक्स पोर्शन ऐसा है कि ये रेस्पॉन्डिंग प्रोसेस है, यही मैं बता रही थी पहले से. आप जब तक ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन रिएक्ट नहीं करोगे तब तक मोरालिटी एथिक्स पे कन्वर्ट नहीं होगा. एथिक्स इज जब एक्शन करते हो,
जब मैं ये रोल मॉडल को मान लिया, मोरालिटी कुछ आ गया, हमारे अंदर कुछ वैल्यू सिस्टम भर गई थी, उसके थ्रू आप जब एक्शन लेते हो, आपका बिहेवियर शो करते हो बाहर जाके कि आपके ऑफिस में सब लोगों की भलाई देखते हो, ठीक है, तो वो है कि रेस्पॉन्ड करते हो ना आप उनके एक्शंस को, रिएक्ट करते हो ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि रेस्पॉन्डिंग प्रोसेस है एक राइट कॉन्डक्ट टू डिसाइड करने के लिए। और ये कहा कैसे होगा, पब्लिकली। देखा अपने मॉरल्स ये प्राइवेट वाला है और एथिक्स ये पब्लिक वाला है, क्योंकि सोसाइटी पे लार्जर इम्पैक्ट पड़ रही है, ज़्यादा इम्पैक्ट उसी पे दिखा रही है, अरे क्योंकि आप रिएक्शन दिखा रहे हो, मॉरलिटी पे क्या दिखा रहे हो, आपके अंदर की तो सिस्टम है ये तो, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चनिंग करते हो एंड एक के बाद चेंज करते जाते हो एथिक्स, जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती जा रही है, जैसे कि आपने खाप पंचायत का इश्यू देखा ही होगा, ये तो ब्रिलियंट एग्जांपल है एथिक्स के बारे में, वो सोसाइटी के नॉर्म्स को डिफाइन कर रही है कि आप सेम गोत्रा के मैरिज नहीं कर सकते हो, और आप जैसे बहुत सारे प्रोविजन्स हैं खाप पंचायत के, तो क्या हो रहा है आगे जाके, इट इज़ चेंजिंग, जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, थोड़ा थोड़ा सा लिबरल होते जा रहे हैं या फिर थोड़ा सा कठिन हो रहा जा रहा है कहीं कहीं पे, राजस्थान और हरियाणा जैसे एरियाज पे, तो यही है कि एथिक्स ये पर्सनल लेवल पे नहीं, ये पब्लिक लेवल पे और सोसाइटी के नॉर्म्स डिफाइन करती है। जैसे आप किसी की फीट को छूते हो जब बड़े आते हैं, क्यों करते हो, कहीं पे लिखा हुआ है कि करना चाहिए, या फिर मॉरलिटी कुछ बताती है कि यही करोगे तो अच्छा लगे, नहीं ये सोसाइटी का नॉर्म्स है, तो आपको बता दिया जाएगा कि आप जब भी बड़े देखते हो आपको उनके पैर छूना चाहिए, तो यही है एथिकल स्टैंडर्ड्स, एक प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स बता दिया जाता है, राइट। सो यही है कि मॉरल्स और एथिक्स के बारे में बीच का डिफरेंस है, ये तो कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा नहीं, इसका तो अप्लाइड पार्टी आएगा, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इस स्लाइड में मैंने बता दिया आपको, और आगे जाके देख लेते हैं कि एथिक्स का ब्रीफ डेफिनेशंस क्या है। ये करती जस्टिफाई करती है राइट एंड रॉन्ग ह्यूमन एक्शंस को। देखिए कोई भी एक्ट जो एथिकली करते हो वो राइट भी नहीं होगा, रॉन्ग भी नहीं होगा, बस उसको जस्टिफाई करने का तरीका बताते हैं कि आपने अगर इसमें ऐसा किया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और कैसे जस्टिफाई करते हो। जैसे एडवर्ड स्नोडन का ही देख लीजिए, जिसने विजिल ब्लो कर दिया, बहुत सारे रिपोर्ट्स को लीक कर दिया, और अभी वो गवर्नमेंट का लॉयलिटी डिसलॉयल कर दिया, ओबीडियंट नहीं था, बाहर कर दिया सारे डॉक्यूमेंट्स और रिवील कर दिया कि सारे देशों के साथ कैसे संबंध रहा और कैसे सोचते थे यूएस वाले सब कुछ, सो उसने तो बाहर कर दिया, तो डिसलॉयल्टी और ओबीडियंस तो नहीं था, लॉयल्टी और ओबीडियंस नहीं था उस बंदे के ऊपर, तो क्या कैसे जस्टिफाई करोगे, वो रॉन्ग है। पर दूसरी तरफ से देखोगे तो उन्होंने तो अच्छा ही कर दिया, जो अंदर अंदर का जो इंट्रिकसी डिटेल्स हैं, बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है बाकी लोगों के लिए भी, कैसे पॉलिसी मेकिंग इम्पैक्ट करेगी बड़े बड़े देशों तक, कि इराक वॉर में उन्होंने क्यों ऐसे कर लिया है, ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स को बाहर कर दिया, इसकी वजह से हमें पता पहले से ही चल रहा है कि उनकी कैसे स्ट्रेटजी होगी और हम कैसे उनको रिएक्ट करें, तो ये भी तो सही है, तो ये तो राइट अप्रोच है, तो कैसे जस्टिफाई कर रहे हो, क्योंकि ये सब पब्लिक लार्जर और इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यू है, तो इसीलिए ये एक दिशा में नहीं जाती है कि यही राइट है या फिर यही रॉन्ग होगा। यही मैं बताना चाहती हूँ कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट एथिक्स क्या है, ये फर्स्ट वाला सेशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बाकी सेशंस को समझने के लिए। तो ये जस्टिफाई करती है राइट एंड रॉन्ग, ये एक फिलॉसफी का ही ब्रांच है, जो जबकि इसको समझाने की वजह से या समझने की वजह से या फिर यूज़ करने की वजह से या फिर जस्टिफाई करने की वजह से आपको डिसीशंस अच्छे से ले पाओगे आपके लाइफ को। आप जब डिसीजन अच्छे करते हो, आप हैप्पी हो जाते हो, और हैप्पी हो जाते हो तो आपके एक कंटेंटेड लाइफ, एक संतृप्ति मिलती है लाइफ में। तो ये स्ट्रेंथ और आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, हर दिन ऐसे ही करते जाओगे, ये नहीं कि आज एग्ज़ाम है तो एक महीने के बाद एग्ज़ाम है तो इसीलिए पिछले महीने से बहुत मेहनत कर लिया, नहीं साल भर तो पढ़ना ही चाहिए, हर रोज़ 2 घंटे पढ़ते हो तो 1 साल तक वैसे ही कंटिन्यू करता जाओगे, ये कंसिस्टेंसी है। एथिक्स को समझने की वजह से या फिर आपको जब एथिक्स आपने अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तब आपकी स्ट्रेंथ और कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, सॉरी ठीक है। और ये डिराइव होता है एथोस, एक वर्ड पे जो बताती है कि एक आपके हैबिट, एक कैरेक्टर और कस्टम इज फॉलोड बाय द पर्सन, और एक कोड ऑफ एथिक्स या फिर साइंस ऑफ कॉन्डक्ट या फिर सोशल ऑर्डर के लिए, ये सब चीज़ों को एक एक प्रोसेस में रखने के लिए आप
एक कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करते हो, जैसे कि मिनिस्टर्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स है, ओके, और आपके यूपीएससी ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि यूपीएससी जो पास होके चले जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, तो उनके लिए भी एक कोड ऑफ एथिक्स वाले एक कोड बनाना चाहिए। तो ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसका लास्ट पोर्शन है कि चैलेंजेस। पर ये एथिक्स का चैलेंजेस मतलब कौन विरोध करता है, कैसे विरोध, किस चीज़ की वजह से ये एथिकल डिलेमा हो जाती है। चैलेंजेस क्या होती है किसी के, आपके डिसीजन मेकिंग को, कुछ आप कुछ सोच रहे हैं कि आज मैं लैपटॉप खरीद लूँगा, पर आपके पास इतने चॉइसेस हैं कि सब एक ही रेट पे, इतने सारे कंपनीज हैं, चॉइसेस इतने ज़्यादा हैं, तो क्या हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाएगी। कन्फ्यूजन मतलब डिलेमा में पड़ जाओगे, डिलेमा मतलब कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, या मुझे ये डेल का लैपटॉप लेना है या फिर लेनोवो का लैपटॉप लेना है। वैसे ही एथिक्स जब लाइफ में अप्लाई करते हो, जैसे कि आप वो पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर स्ट्राइक के बारे में, दिन पे आपका पोस्टिंग हुआ है वहाँ पे, डॉक्टर्स जब स्ट्राइक कर रहे थे, तो एथिकल डिलेमा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या लाठीचार्ज कर दूँ क्योंकि ज़्यादा वायलेंस हो रही है वहाँ पे, पेशेंट्स की तकलीफ नहीं सह पा रहे थे और यहाँ पे ये मान भी नहीं रहे थे, तो आपको क्या करना चाहिए। वैसे एथिकल चैलेंजेस के लिए क्या होता है, आप दिक्कत कैसे आ जाती है, एक ईगोइज्म है, आप किसी चीज़ को आपके अंदर ही ले लेते हो, या फिर आपको लगता है कि आपका बेनिफिट ही देख लेते हो उसमें, किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हो। वो एक रिलीजन भी होता है, रिलीजन इज़ अ वेरी बिग इम्पेडिमेंट। आपको बीफ के वाले केसेस में आपने देखा ही होगा कि बीफ जो भी लेते हैं उनको बोला जाता है कि एंटी रिलीजियस पर्सन, वो ये तो टेररिस्ट है। तो रिलीजन एथिक्स के बीच में आ जाती है, और कल्चर भी तो बीच में आ जाती है, डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। जैसे जोरास्ट्रियन में आप देखोगे कि एक केस भी हुआ है, जैसे वो औरत शी वॉज लाइक 40 ईयर्स ओल्ड, जो पापा के फ्यूनरल में अटेंड कर दिया, तो बहिष्कार कर दिया उनको कल्चर वाले ने। तो यही है, तो एथिकल एंगल क्या है वहाँ पे, वो डॉटर है, उनके पापा का राइट, इस 40 ईयर ओल्ड का राइट है कि उनके पापा का लास्ट राइट सब कुछ उनके हाथ से करवाने का, तो कहाँ एथिकल एंगल तो वायलेट हो गया। तो ये चैलेंज है, इस चीज़ों पर क्या करना चाहिए। अगर आप कल्चर के थ्रू जाओगे तो ये तो गलत है, उनको नहीं करना चाहिए था। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के एंगल के थ्रू देखेंगे तो ये तो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, जो पापा के फ्यूनरल सेरेमनी को सब कुछ कंडक्ट करने का। तो यही डिफरेंस है कि एथिक्स आपको बस जस्टिफाई करेगी आप राइट भी करो या फिर रॉन्ग भी करो। आगे जाते देखते हैं कि मॉरल और एथिक्स में एक ऐसा चार्ट बना दिया ताकि आप एक आंसर लिख सकते हो। इसमें सेम वही थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पिछले वाले स्लाइड से। ये कि जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, आपको ये नहीं पता जाएगा कि आप एक मेडिसिन लेने के बाद आपको कितना नुकसान होगी या फिर तकलीफ होगी, इससे क्या होगा आगे जाके, आपको ज़्यादा मोशन पड़ जाएगी या फिर आपको वीक हो जाओगे या फिर स्ट्रेंथ हो जाओगे, ये कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ प्रिस्क्राइब ही कर देगा। तो मॉरलिटी यही है, मॉरल वैल्यूज़ यही बताती है कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन है कि आप यू शुडंट लाई, लाइंग इज़ बैड, या फिर ऑनेस्टी इज़ अ गुड हैबिट ऑफ अ गुड कैरेक्टर। तो यही है, प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जबकि एथिक्स क्या करती है, ये स्पेसिफिक, जहाँ पे आप ऑनेस्टी यूज़ कर सकते हैं। आपके फ्रेंड वहाँ पे एग्जाम पे चीटिंग कर दिया, तो आपको ऑनेस्ट बनना चाहिए, वहाँ पे उठ के बताना चाहिए कि मेरे फ्रेंड यहाँ पे ऐसे चीटिंग कर रहे हैं, आप इसको पकड़ो और डिबार कर दो एग्जामिनेशन से, क्या वहाँ पे ऑनेस्टी काम आएगी। तो यही है एथिक्स क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब इन द सेंस कि जैसे मेडिसिन आप ले रहे हो उसका फ़ायदा और नुकसान कैसे होगा डिटेल में बताएगी एथिक्स, जबकि मॉरल सिर्फ प्रिस्क्राइब करके छोड़ देंगे कि 5 दिन के लिए ये मेडिसिन यूज़ कर लीजिए। और फिर क्या होगा, ये मॉरलिटी की वजह से, मॉरलिटी समझिएगा कि मॉरलिटी एक बड़ा सा सर्कल आप एथिक्स का ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर मॉरल्स एक छोटा सा सर्कल आएगा, क्योंकि मॉरल्स ही डिफाइन करेगी आपके एथिकल कॉन्डक्ट कैसे होगा, समझिएगा। देन ये मॉरलिटी आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके अंदर ही एक डिसोनेंस मतलब एक खिलाफ, जैसे खिलाफत मूवमेंट हुई, जैसे आपके अंदर एक खिलाफत मूवमेंट आ जाएगी कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैं तो लाइंग, मैं झूठ ही नहीं बोलता, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, तो आपके अंदर ही कुछ डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। एथिक्स में क्या होगा कि सोसाइटी नॉर्म्स है, सोसाइटी पे ज़्यादा भारी पड़ता है, तो इसीलिए सोसाइटल डिसअप्रूवल हो जाएगा। जैसे खाप पंचायत में आप सेम गोत्र ने कर लिया, बंटी का केस हुआ था और अभी केविन मर्डर केस भी हुआ था, क्या हुआ था, डिसअप्रूवल हो गया, बैनिशमेंट कर दिया उन लोगों को, बहिष्कार कर दिया, तो इसीलिए एक आइसोलेशन सोसाइटी के थ्रू आएगी। पर मोरल
मोरालिटी में ये आएगी कि आपके सेल्फ के अंदर जो डाउट होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, वो आएगा जब आप मोरालिटी को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो मोरालिटी ये टॉप प्रायोरिटी होगी, जब भी मोरालिटी और एथिक्स के बारे में बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मोरालिटी की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है प्रायोरिटी होगी। और फिर एथिक्स में क्या होगा, ये थोड़ा सा इतना क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्सिटी है ना एथिक्स के में कि आप ये करोगे तो ये जस्टिफिकेशन ही दे रहे हो ना हर किसी का कि आप पार्टी में क्यों लेट आए, क्योंकि ये हुआ ये नहीं हुआ, आप आ भी सकते थे पर आपने इतना एफर्ट नहीं डाला, तो इतने सारे जस्टिफिकेशन देखिए, इतना कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज हैं, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा प्रायोरिटी कम होगा क्योंकि आपके ऊपर डिसीजन लाया होता है ना कि आपको वो पाथ चूज़ करना है कि नहीं, आपको UPSC कंटिन्यू करना है या फिर स्टेट PCS का एग्जामिनेशन आ गया, एक साल UPSC का ड्रॉप ले लो और स्टेट PCS का एग्ज़ाम कम्प्लीट करो, तो वो तो आपका एथिकल डिसीजन मेकिंग पर ऊपर है, इसीलिए ये थोड़ा सा लेस सीरियस और प्रायोरिटी में नहीं आता है, जबकि प्रायोरिटी तभी माना जाता है जब मोरालिटी इस बीच में आ जाती है एथिक्स के, एथिक्स और मोरालिटी के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा मोरालिटी विल ऑलवेज प्रिवेल। तो अब मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया था कि मोरालिटी क्या होता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं ऑनेस्टी पे बिलीव करती हूँ, और मुझे मर्डर किसी को नहीं करना चाहे जितना भी गुस्सा हो, मेरे करोड़ों लाखों रुपए उसने लूट लिया हो फिर भी मैं मर्डर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मर्डर एंटी सोशल एलिमेंट है। और जबकि एथिक्स में देखोगे तो ये कस्टम्स और मैनर्स हैं जो टचिंग द फीट ऑफ द एल्डर्स, ये सब कुछ एक सोसाइटी सेट करती है, तो इसीलिए इसको एथिक्स स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। आगे जाते हैं, तो ये एथिकल डिसीजंस को, जैसे आप एक एथिकल डिसीजन क्या होता है, एक पाथ को चूज करना, एक दिशा पे जा रहे हो तो दो बाइफर्केशंस हैं, दो रोड जाती हैं राइट और लेफ्ट, किस रोड पे जाएं, जब भी एथिकल डिसीजन लेते हो उस वैसे वाले चीज़ों में, एक तो स्मेल टेस्ट होती है, कुछ टेस्ट वगैरह उस प्रिस्क्राइब कर दिया एथिक्स में कि स्मेल टेस्ट क्या होता है, जो भी सोसाइटी के लिए गुड होता है उसी पाथ को आप चूज करोगे। देखिए एक रोड पे ऐसा है कि हैप्पीनेस जस्टिस देती है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, आपके प्रेफरेंस वही होगा जो इक्वल विल बी ट्रीटेड इक्वल, जो समान करते हो, मतलब आप किसी और को अगर वो स्लम्स में भी रहते हो कुछ भी हो आप इक्वली ट्रीट करते हो, और जो वनरेबल सेक्शंस हैं ओल्ड एज विमेन चिल्ड्रन उनको स्पेशली थोड़ा सा प्रोविजंस देते हो, उनको ज़्यादा केयरिंग करते हो, तो उन जैसे वाले के लिए जस्टिस टेस्ट है। कॉमन गुड टेस्ट क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस पे, कि सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे बनना चाहिए, कॉमन गुड पे, कि लार्जेस्ट गुड, सबको फ़ायदा होना चाहिए, एक जुडिशियल सिस्टम कि पारसी हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम ऐसे भेदभाव नहीं करेगा, सबको बराबर देख के उन ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाओ, राइट। और फिर वर्च्यू टेस्ट होता है, जबकि आप एक मिरर पे देखो, मिरर के सामने रहोगे तो आप यही सोचो कि क्या अगर आप किसी के ऊपर इतना नफरत करते हो कि उनके ऊपर एसिड भी फेंक सकते हो, तो आप खुद के ऊपर भी फेंकना चाहिए, जबकि जब कैसे ऐसे सिचुएशन में जब आपको खुद से नफरत जब भी होगा ना, एसिड आपके मुंह पे फेंकोगे आपके ऊपर ही नहीं फेंकोगे, तो आप किसी और के थ्रू क्यों कर पाओ, क्यों करोगे, क्यों करना क्यों चाहिए। तो यही है वर्च्यू टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट हैं जो एथिकल डिसीजंस को डिफाइन करेंगे, जैसे कि आपकी राइट टू कॉन्डक्ट, एक कॉन्डक्ट क्या है, स्कूल में भी सर्टिफिकेट देते हैं कि आपके बच्चे की एक तरीका है रहने का, मिलजुलने का, सब कुछ बहुत सही था, ए ग्रेड मिल गया। तो यही है कि एथिकल कॉन्डक्ट के लिए ये सारे टेस्ट बता दिया जाए, बस ये ब्रीफ अप है, कभी कहीं पे भी जब एथिक्स का कुछ कोच भी डायरेक्ट कोच में क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हैं। और एथिकल डिलेमास जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो डिस्कम्फर्ट जब भी आता है जब आप डिसीजन नहीं ले पाते, वही इसी को कहते हैं एथिकल डिलेमास। एथिकल डिलेमास वेयर मॉरल रीजंस आर कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट, मॉरलिटी है पर रीजंस कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे एडविन सोडन का भी यही तो हुआ, और आपने जब एग्ज़ाम लिया और आपके फ्रेंड को चीटिंग कर रहा था, बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, इस एग्ज़ाम में उसका लास्ट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, इसके बाद नहीं लिख पाएगा, क्या आप खड़े हो के बताएंगे कि ये चीट कर रहा है। तो यही है एथिकल डिसीजंस, रीजंस क्या होगा, एक तो वेग है, इन पे सारे एग्जाम्पल जब अब तक जो भी मैंने लिया है सारे के सारे क्या कहती है, गुड वर्सेस बैड लेती है, पर वेग है, डिफाइंड नहीं है कि आपके फ्रेंड जितना भी बेस्ट हो कोई आप ले लोगे एक स्टैंड उनके ऊपर, या फिर एक कॉन्फ्लिक्टिंग रीजंस हो गया कि आप एक UPSC ब्यूरोक्रेट, UPSC एस्पिरेंट से ब्यूरोक्रेट बन गए, आपको घर वाले से प्रेशर आ रही है, आपको कुछ
खुद का कुछ एक इंश्योरेंस पैकेज भी लेना है क्योंकि बीमार बहुत ज़्यादा पड़ रहे हो, तो आपको वो ब्राइब एक्सेप्ट करना है या फिर गिफ्ट एक्सेप्ट करना है कि करना कि नहीं चाहिए, ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग रीजंस हो गया। आपको तो ज़रूरत है पर आपकी जो पोजीशन पे ऑफिशियल पोजीशन पे क्या कहती है कि आपको ब्राइब नहीं लेना चाहिए, तो यही है। तो लास्ट में डिसएग्रीमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आते हैं, एक एक प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखते हो तो कौन सा पहले रैंक पर रखें और कैसे इसको अप्लाई करें, ये बहुत ही ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हो जाता है कि आपने पहले सोच लिया कि नहीं मैं इसी स्टेट PCS का ही करूँगी, पर क्या हुआ पिछले एग्जाम्स में क्या हुआ, हाईकोर्ट में केस हो गया, पता नहीं कब केस सॉल्व हो जाएगा और मेरा UPSC अटेम्प्ट भी चला जाएगा, मतलब वो सीरियसनेस भी चली जाएगी। तो ये डिसएग्रीमेंट है, नहीं मुझे UPSC करना चाहिए, नहीं मुझे CPCSC करना चाहिए, तो ऐसे बार बार जब सोचते हो तो ये डिसएग्रीमेंट बन जाएगा कि मैं ये रखूँगी प्रायोरिटी के ऊपर, नहीं ये रखूँगी, बार बार डिसएग्रीमेंट। ये सारे फैक्टर्स जो वेगनेस, कॉन्फ्लिक्टिंग रीजंस और डिसएग्रीमेंट है, एथिकल डिलेमास आने की वजह यही है, रीजंस व्हाई एथिकल डाइलेमा विल अक्कर, व्हाई इट विल हैपन। ये वो कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट क्यों आती है, क्योंकि वेग होता है, एक तो रीजंस आपको कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है और डिसएग्रीमेंट हो जाती है। तो आगे जाते हैं, ये स्लाइड में बस आपको बस ये तीनों पोर्शन के डेफिनेशंस पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये है फर्स्ट, एथिकल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप रिकॉग्नाइज करोगे एक सिचुएशन को और समझने की भी आवश्यकता है कि वहाँ पे कैसे कैसे कंसर्न्स आती हैं, जैसे कि फ्लड्स आ गई, वो हो गए केस स्टडी भी था, आपको बोट्स ज़्यादा मंगवाना है पर गवर्नमेंट के पास उतना बजट नहीं है, लिमिटेड बजट है, तो क्या आप नेगोशिएट करोगे बोट ओनर्स के साथ कि बोट को ज़्यादा भेजिए ताकि लोगों की नुकसान ना होना चाहिए, या फिर क्या उतना जितना गवर्नमेंट ने कह दिया उतना ही बोट्स भेजोगे वहाँ पर फ्लड सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, क्या करोगे? तो यही है कि एक पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए कि फ्लड्स के थ्रू कैसे नुकसान होगी लोगों की, कितना दिक्कतें हो रही है, कहाँ किस किस एरिया पे क्या ज़्यादा पर्संस रुके हुए हैं फ्लड्स की वजह से, या फिर किसके ज़्यादा नुकसान होगी है फ्लड्स के थ्रू, जिसका घर टूट गया हो, कुछ भी नहीं है उनको, खाना पीना भी नहीं है, तो अवेयरनेस होना चाहिए पहले, फिर आपका एथिकल जजमेंट बनेगा कि आप उस बोट ओनर्स के साथ नेगोशिएट करोगे प्राइस डील, या फिर आपके खुद से पॉकेट से, या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनके थ्रू मनी पूल करके उस बोट्स को, एक्स्ट्रा बोट्स को लेके आएंगे, क्या इतना टाइम है उस सिचुएशन में रिएक्ट करने का, यही एथिकल जजमेंट है। और लास्टली एथिकल बिहेवियर, बिहेवियर मतलब आउटकम, ये अवेयरनेस इनकम इनपुट है, ये बिहेवियर आउटपुट है, यही है डिफरेंस। तो इस चार्ट को बस इस पोर्शन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन सिर्फ साइकोलॉजी पोर्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ये तीनों पे ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो अभी एथिकल डायलेमास तो देख लिया कि आपने अवेयरनेस होगी, जजमेंट भी हो गया, बिहेवियर हो गया, पर बीच में क्या होता है कि ये डिस्कम्फर्ट को पर दूर कैसे किया जाए, तभी तो आप पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, तो कैसे दूर करोगे? पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि वैल्यूज़ क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपके ऑब्लिगेशंस क्या है ड्यूटी के ऊपर, कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि 1 करोड़ ही मिलेगा, जो भी करना है 1 करोड़ में ही संभालो, आपको हेलीकॉप्टर्स उसी करो 1 करोड़ में भेजना है, फूड पैकेट्स भी इतना ही भेजना है, स्कूल चिल्ड्रन इवैक्यूएशन, रिहैबिलिटेशन कैंप्स, ये सारा कुछ उसी पैसों में करना है। तो आइडेंटिफाई करिए, जबकि सारे मोरालिटी रीजंस आपके खुद के अंदर, एथिक्स जो आप बोलती है कि आपको नहीं, आपके थ्रू ही पैसा भरना चाहिए या फिर पूलिंग करके, सोशल पूलिंग करके थोड़ा सा बोट्स भेजना चाहिए, ये सारा कुछ डेटा भी कलेक्ट करिए, फैक्ट्स रेलेवेंट सिचुएशन की, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब जहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे मोबिलिटी नहीं हो रही है फ्लड्स की वजह से। आप फिर कोर्सेस ऑफ एक्शन, मुझे कैसे कोर्सेस ऑफ एक्शन लेना चाहिए ये भी तो देखिए, फिर ऑप्शंस और सब ऑप्शंस सारे मैट्रिक्स फॉर्म में, जैसे मैंने वो टेबल बनाया प्रीवियस स्लाइड में, वैसे ही एक टेबल बना के क्या ये करूँगा तो क्या होगा, ये नहीं करूँगा तो क्या होगा, और ये ऐसा नहीं है कि दिनों तक चलेगी, हर दिन आप ये यही सोचते रहोगे, आप एक ऑफिसर हो, ऐसी क्राइसिस वाले सिचुएशन बहुत सारे आएंगे, एक अर्थवेव हो गया, भुज वाला अर्थवेव समझ लो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही हो गया, तो आपको कैसे लेना चाहिए, ये बहुत जल्दी होना चाहिए, इसीलिए एथिकल डिलेमा उसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के वजह से आप ये स्टेप्स यूज़ कर सकते हो, जबकि आप हर दिन आपके खुद के पर्सनल लाइफ में ये अप्लाई करते जाओगे। आपको पहले अवेयरनेस होना चाहिए, फिर ऑप्शंस लिखो, फिर लास्ट में फ्रेंड्स और डिफरेंट फैमिली डिस्कस, सबके साथ डिस्कस करो, क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस इतना है ही नहीं,
तो इसीलिए तो जब प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में भी आते हो तो सीनियर्स के एडवाइस लेते हो कि कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए या फिर ये इंस्टीट्यूट अच्छा है कि नहीं, ये सीरीज़ देखूँ कि नहीं. सो ये सारा कुछ इसी का ही है, एथिकल डिलेमास को रिजॉल्व करने के लिए. और फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन करिएगा जब आप कमिटमेंट दिखाओगे, नॉलेज भी होगा आपके पास और रीजनिंग अच्छे से करोगे कि मैं अगर ये करूँगी तो या फिर ये करूँगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी, मेरी जॉब पे कुछ इफेक्ट पड़ेगी या फिर किसी को नुकसान होगा, ये सब कुछ देखोगे और फिर एक्शन और प्रमोट भी करोगे, यही बिहेवियर को प्रमोशन भी करोगे, तभी आपकी एथिकल कॉम्पिटेंसी, एथिकल स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेंसी मतलब कहीं कुछ नहीं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्किल, आप एक टैलेंटेड एकदम स्ट्रेंथ वाले बंदे बन जाओगे, राइट. तो अगला है कि दिस पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोचेस टू एथिक्स. एथिक्स का पहला ये मतलब चार्ट्स है, डिफ्रेंसिएशन, कैसे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैसे, लाइक जैसे कि पॉलिटी में आपको आपने देखा ही होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज लाइक एब्सोल्यूट, सिंपल, हाँ, तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेजॉरिटी, सेम लाइक दैट. अभी एथिक्स में भी बहुत सारे अप्रोचेस हैं कि इस चीज़ को आप एथिकल कोर्सेस ऑफ एक्शन ले रहे हैं ना, तो लेने की वजह से बीच बीच में थिंकर्स और फिलोसफर्स ने कुछ बोला है कि आप इसको चूज़ करने की वजह से आपकी लाइफ अच्छी सी होगी, ये रोड चूज़ करने के लिए आपको कुछ प्री डिटरमिंड फिलोसफर्स ने कुछ कहा है. उसी का चार्ट है ये कि एथिक्स पहले थियोरेटिकल और अप्लाइड पोर्शन में डिवाइड करते हैं. अप्लाइड तो आपको पता ही है कि वॉर सिचुएशन में आपको अप्लाइड क्या होता है, अप्लाइड आंसर्स कैसे लिखते हो आप, हर ऑप्शनल में भी तो आपको अप्लाइड आंसर्स लिखना होता है. अप्लाइड मतलब आपको कुछ बेसिक नॉलेज है उसको एक एक सिचुएशन में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस जब भी पेपर आएगा तो ये एक न्यूज़ आइटम देख लिया तो उसमें कैसे यूज़ करोगे, इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे यूज़ कर लोगे, पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया में कैसे यूज़ कर लोगे, एनवायरमेंट पोर्शन में कैसे यूज़ कर, ये सारा अप्लाइड पोर्शन है. और थियरी में आता है एक नॉर्मेटिव और एक डिस्क्रिप्टिव. नॉर्मेटिव क्या होता है, नॉर्मेटिव इज थियोलॉजिकल, डियोलॉन्टिकल एंड वर्चुअल एथिक्स. और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, मेटा एथिक्स. तो नॉर्मेटिव एथिक्स में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, एक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब द फाइनल पाथ कि कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा आप अगर एक डिसीजन लेते हो, तो उसमें ईगोइज्म आप खुद के बारे में सोचते हो, यूटिलिटेरियनिज्म आप बहुत लोगों के बारे में सोचते हो कि मेरा भी नुकसान हो जाए फिर भी ठीक है, पर लोगों का अच्छा भलाई हो रहा है तो इट्स फाइन, ठीक है. एक दूसरा है नॉन कॉन्सिक्वेंशियल विच इज़ ऑल्सो डियोन्टोलॉजिकल, डियोन्टोलॉजिकल कांटियन इकोनॉमिक्स है, वो देखेंगे आगे जाके. तो अभी पहला डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है. डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो नॉर्मल आपने ये चार्ट देखा ही होगा, तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इज सिर्फ एक ही मेटा एथिक्स आता है, तो ये दोनों पोर्शन एक पहले संभालते हैं. तो इसमें क्या है कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये बताएगी कि पीपल कैसे एक बिलीफ सिस्टम को अप्रोच करें कि एक खाप पंचायत है या फिर एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक लॉ है, तो उसको कैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हो, सिर्फ जो सोसाइटी में चल रही है, इसका कोई किसी फिलोसफर ने कुछ नहीं कहा, एक एक्सटर्नल बॉडी ने कुछ बनाया, एक खाप पंचायत ने कुछ लॉ बनाया, या फिर उस टाइम पर जब सती होती थी वैसे सोसाइटी ने एक चीज़ बनाई थी सती सागनम, तो दैट इज़ व्हाट डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, एथिक्स को डिस्क्राइब करती है बस, ये कुछ नहीं बताती है, कंपेयर करती है कि उस टाइम पे सती कैसा है और आपका ट्रिपल तलाक बिल को कंपेयर कर देती है. तो वैसे वाले डिस्क्रिप्टिव एथिक्स वो है जो पीपल विल बिलीव एक्सेप्टेबल और पनिशेबल अंडर लॉ और कस्टम. उसी में मेटा एथिक्स एक पोर्शन है. मेटा एथिक्स क्या होता है, एनालिटिकल होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन करती है कि कौन सा राइट है, सती सागनम इज़ राइट, ट्रिपल तलाक बिल इज़ राइट, इज इट राइट, ओरिजिन को देखती है कि इस्लाम में क्या कहा ट्रिपल तलाक के बारे में, क्या वो सब्सटेंशिएट करती है कुरान बुक में कि ऐसे कुछ सिस्टम होना चाहिए, मीनिंग देखती है, प्रिंसिपल्स देखती है, फाउंडेशंस और मॉरल वैल्यू सब कुछ देखती है, सिर्फ एथिक्स ही पढ़ती है, जैसा है वैसा पढ़ती है, इसका ज़्यादा कुछ मॉरल रीजनिंग नहीं करेगी. दूसरी तरफ से एक प्रिस्क्रिप्शन वाला नॉर्मेटिव एथिक्स है जो डिसाइड करती है कि क्राइटेरिया क्या है एक राइट एक्शन को लेने के लिए, क्यों लिया है, जस्टिफिकेशन बताओ मुझे. खाप पंचायत ने बता दिया पर कहाँ पर है, खाप पंचायत ने जो बताया कि एक सेम कोत्रा मैरिज होना चाहिए क्या किसी बुक में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, कहीं पर भी लिखा है, ये पूछती है नॉर्मेटिव एथिक्स. उसी में तीन अलग तरीका का स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं. एक स्कूल ऑफ थॉट डियोन्टोलॉजिकल है. डियोन्टोलॉजिकल ये कहती है कि आपकी ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है. ड्यूटी क्या होता है,
आप कुछ मानते हो, ये ड्यूटी क्या होता है, सेम लाइक ब्यूरोक्रेट, आपकी ड्यूटी क्या है, पीपल को सर्व करना. तो यही है कि एथिक्स इज कंसर्न पीपल, व्हाट दे डू एंड द कॉन्सिक्वेंसेस. और जीएसटी की वजह से एमएसएमई सेक्टर को बहुत नुकसान हुई, क्योंकि वो सारा कुछ इन्वॉइसेस नहीं भर पा रहे थे और उनको इतनी लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी नहीं थी. फिर भी वो क्यों किया, क्योंकि उनको लास्ट एंड गोल क्या था, एक वन टैक्स वन नेशन लेके आना था. इसीलिए डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स यही कहती है कि आपका ड्यूटी ये कहता है तो करना ही चाहिए. एक कांस्टेबल को बोल दो कि आपको लाठीचार्ज करना नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, आप ह्यूमन की डिग्निटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो कैसे, उसका तो ड्यूटी है. जब भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा नहीं जाएगा, जब सेक्शन 144 एक प्लेस में चालू है, तो लोग आके कुछ धरना करेंगे या फिर स्टोन पेल्टिंग करेंगे कश्मीर में, तो आप कैसे कर सकते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए कांस्टेबल को, उसका तो ड्यूटी है ये, जब भी लॉ एंड ऑर्डर. यही है डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स. तो नॉर्मेटिव एथिक्स में हमने एक तो देख लिया डियोन्टोलॉजिकल, दूसरा दो है, एक आपने हमने पढ़ा था नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच कांत का यही कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी यही है कि सब बराबर सारी जगहों पे, या फिर वर्ल्ड पे, या फिर एक कल्चर पे, एक कम्युनिटी पे, एक नेशन पे, कहीं पे भी हो, वो रूल और लॉ सब पे अप्लाई होना चाहिए. दूसरा ये बोलता है कि रेसिप्रोसिटी यही है कि तभी आपको किसी और के ऊपर करना चाहिए जब तक आप खुद के ऊपर वो नहीं करोगे, राइट. यही है रेसिप्रोसिटी. कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर भी ये रेप केसेस हो रहा है, या फिर मर्डर्स हो रहे हैं, या फिर एसिड अटैक्स हो रहे हैं, तो आप खुद के ऊपर जब तक नहीं करोगे तो आपका क्या राइट बनता है किसी के ऊपर करना. ये इसी को कैटेगोरिकल इम्परेटिव ऑफ इमैनुअल कांत, जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी और रेसिप्रोसिटी से बताता है. और दूसरा ये चीज़ है इसी में नॉन कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच में, कि मॉरल एब्सोल्यूटिज्म इज दैट आप एक मानते हो मॉरल एब्सोल्यूट क्या होता है, शब्द से ही समझिएगा. एब्सोल्यूट मतलब एंड इन इटसेल्फ, मतलब उसका कुछ अर्धवर्ध कुछ नहीं है, बस वो चीज़ है तो है. मतलब ऑनेस्टी इज गुड, मतलब आपको झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपका फ्रेंड पकड़ भी जाए और या फिर डिबार भी हो जाए, कभी एग्ज़ाम ना लिखें, फिर भी ठीक है, आप एक चीज़ को मानते हो तो मानना ही चाहिए. और फिर डिवाइन कमेंट थीरी, दूसरा कमेंट थीरी ये बोलती है कि डिवाइन कमेंट भगवान ने दिया है, तो एक्शन इज बेस्ड ऑन ड्यूटी एंड नॉट ऑन कॉन्सिक्वेंसेस. इसीलिए सारा कुछ नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच है. तो हमने एथिक्स में थियोरेटिकल वाले में नॉर्मेटिव देखा, डिस्क्रिप्टिव देखा, तो एक डियोन्टोलॉजिकल तो हमने देख लिया, अभी वर्चुअल एथिक्स और टियोलॉजिकल में देखेंगे. तो अप्लाइड वाले पोर्शन में हमने एक अलग अलग सीरीज निकाले, तो कि एक एक सब्जेक्ट के थ्रू आप वो समझ जाएंगे. तो अभी जाते हैं थियोलॉजिकल अप्रोच. थियोलॉजिकल यही है कि आपके जो एक्शन और ड्यूटी है कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करती है, आउटकम्स पे डिपेंड करती है. जैसे कि पहले यूटिलिटेरिज्म देखते हैं, कि एक सिटी प्लानर को हमने पैसे दे रखी है, क्योंकि वहाँ पे एक हमें वो प्लान अप्रूवल नहीं मिल रहा है और वहाँ पे एक ऑर्फनेज कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो अच्छी बात है ना, ऑर्फनेज से बहुत लोगों को फ़ायदा होगी, तो ब्राइब देने में क्या दिक्कत है. तो जब भले किसी ज़्यादा लोगों के लिए भलाई करते हो तो ब्राइब देना कुछ गलत काम नहीं है. यही है यूटिलिटेरियन कहती है. हेडोनिज्म एक दूसरा वर्जन है थियोलॉजिकल का, ये बोलती है कि मैक्सिमम प्लेजर इज अ ग्रेट, मतलब खुद के प्लेजर आपको चाहिए तो आप मनी लॉन्ड्रिंग भी करो, इट्स नॉट अ बैड थिंग. आप ऑर्गेनाइज क्राइम भी करो, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग करो, या बॉर्डर करो, क्रॉस बॉर्डर क्राइम करो, टेररिज्म करो, आपको यही है. इसीलिए ISIS टेररिज्म वाले लोगों को हेडोनिज्म कहते हैं, मैक्सिमम प्लेजर. प्लेजर वाई, बिकॉज दे बिलीव इन समथिंग, लाइक गॉड ने कहा था कि मार डालो. तो ये एक्सट्रीम है निर्भया रेप केस जवनाइज एक्शन. और फिर आप इस स्लाइड में देखोगे तो मैंने ब्रैकेट्स में सारे एग्जांपल्स दे रखी है, आपको इम्प्लाइड होना चाहिए, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करती जाऊँगी तो और ज़्यादा मटेरियल बहुत लंबा हो जाएगा. और बता दूँ तो इस सीरीज़ के थ्रू ही हम PDF भी निकाल रहे हैं, तो PDF भी एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि PDF में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है. ये स्लाइड सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा रख दिया जाएगा, तो PDF में बहुत सारा एक्सटेंडेड वर्जन भी है, बट कंसाइज है. और फिर इगोइज्म वाले पोर्शन में आएंगे, यूटिलिटेरिज्म और हेडोनिज्म देख लिया, अभी यूगोइज्म पे आते हैं. इगोइज्म क्या कहती है, इगोइज्म ये कहती है कि आप एक्सीडेंट विक्टिम को देख लिया, आपके आंखों के सामने उसकी इतनी ब्लीडिंग हो रही है, फिर भी आपका दो साल का मेहनत है एक UPSC अटेम्प्ट में, तो इंटरव्यू तो जाना ही पड़ेगा, आपको खुद पे इगोइज्म बनना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए एक्सीडेंट विक्टिम के पास,
उसमें कोई ना कोई लेके जाएंगे। तो यही है ईगोइज्म का फिलॉसफी। देन एस्टिसिज्म, एस्टिसिज्म क्या कहती है ये, इसमें ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल गोल्स इज अ राइट एक्शन, ईगोइस्टिक प्रेशर से दूर रहो। ईगोइज्म का ऑपोजिट है एस्टिसिज्म। किसने किया था? बाबा आमते जी ने किया था, अरविंद घोष ने किया था, बुद्धा जी ने किया था। दूर रहें सारे प्लेजर्स के, बहुत दूर रहें, तो इसी को कहते हैं एस्टिसिज्म। और एल्ट्रुइज्म तो आपको पता ही है, एल्ट्रुइज्म का मदर टेरेसा है। अभी के जितने सारे मिलियनर्स हैं सब तो एल्ट्रुइज्म पाथ में ही जा रहे हैं कि पूरा पैसा फिलैंथ्रोपिक नीड्स में दे रहे हैं और सर्विस टू द सोसाइटी में लगे हुए हैं। तो इसी को जेनरोसिटी, कंपैशन, काइंडनेस, ये सब कुछ के बारे में बता दिया जाता है। और फिर आ गया थियोलॉजिकल के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अभी अप्लाइड एथिक्स में देख लेते हैं। एक स्लाइड तो बना रखी है मैंने ऐसे ही, तो जो आपको बेसिक आइडिया देगी कि अप्लाइड क्या होती है। अप्लाइड क्या होता है जबकि आप और एक प्रोफेशनल एथिक्स में देख रहे हैं। प्रोफेशनल एथिक्स में आईपीएस ऑफिसर कॉट चीटिंग इन द एग्जाम, आपको सबको पता है। तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म का क्या क्या इश्यू बन सकता है? इट्स अ वेरी ग्रेट इशू, एथिकल कॉन्डक्ट एंड प्रोफेशनल इश्यूज। एक एथिकल कॉन्डक्ट है, क्लिनिकल एथिक्स। क्लिनिकल एथिक्स क्या है? अब क्लिनिकल ट्रायल्स बनती है कि एक मेडिसिन को रिसर्च कर दिया और किसी 10 पीपल पे प्रयोग कर दिया, अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाएगी या फिर कुछ अबनॉर्मलिटीज आ जाएंगे अब उनके अंदर, तो ये क्या ये सही है? तो ये क्लिनिकल एथिक्स है। और बिजनेस एथिक्स क्या कहती है? बिजनेस एथिक्स जैसे सचम स्कैम हुआ, उनके सारे शेयर होल्डर्स के मनी को डुबा के उनके खुद के प्रॉफिट के लिए उन्होंने डाइवर्ट कर दिया कंपनी के फंड्स को, तो वो है बिजनेस एथिक्स। और ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स आप देख लोगे तो चंदा कोचा ने क्या किया, उन्होंने भी डाइवर्ट कर दिया सारे आईसीआईसीआई के जितने भी फंड्स देना चाहिए उनके हस्बैंड वाले कंपनी वीडियोकॉन को। और सोशल एथिक्स में देखोगे तो इतनेशिया, अबॉर्शन, सती, चाइल्ड लेबर, ये सारे इश्यूज पे पढ़ेंगे अप्लाइड एथिक्स में। और बायोएथिक्स तो वॉर, एनिमल राइट्स, कैपिटल पनिशमेंट और आईएसआईएस जैसे जिहादी प्रिंसिपल पे मारते हैं लोगों को, क्या ये बायो एथिक्स वॉर सिचुएशन में सही है कि नहीं? कॉरपोरेट एथिक्स तो हमें पता ही है, इतना ज़्यादा चल रहा है आजकल कि बहुत लोगों ने इंडिया छोड़ के भाग गए और बहुत मनी लॉन्ड्रिंग भी हो गई। एक और होता है पब्लिक सेक्टर एथिक्स, तो उस पब्लिक सेक्टर एथिक्स में क्या होता है, सीएमडी पोस्ट को अपॉइंटमेंट के लिए एक प्रेफरेंस दिया जाता है, पार्शियलिटी दिया जाता है, जिनकी इतनी सर्विस भी नहीं हो उनको भी ऊपर लेके जा सकते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के थ्रू, तो वो है पब्लिक सेक्टर एथिक्स। मतलब वहाँ पे अच्छा है कि नहीं ऐसे करना चाहिए? नहीं, टैलेंट को, स्किल को तो इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जस्ट बिकॉज वो सीएमडी वाले पोस्ट, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एक कंपनी के, पब्लिक सेक्टर कंपनी के, वो रिश्तेदार है किसी लोकल एमएलए के, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको पोस्ट दिया जाएगा। और एक मीडिया एथिक्स भी होता है, मीडिया एथिक्स तो अब सब लोग जानते हैं, हम थके हुए हैं इस चीज़ को सुन सुन के कि मीडिया ट्रायल्स हो जाती है, कोर्ट रूम से पहले न्यूज़ रूम में ही पूरा डिस्कशन हो जाता है, जैसे कि आरुषि मर्डर केस में हुआ, वही समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये एविडेंस मिली है और पूरा सर्वनाश, सत्यानाश और सर्वनाश कर देते हैं किसी चीज़ को, उनके इन्वेस्टिगेशन तक लेके नहीं जाते हैं, हड़ताल शुरू हो जाता है, सारे कैंडल मार्च शुरू कर देते हैं इनकी, बिकॉज ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को गलत तरीके में फैला रही है, ये मीडिया एथिक्स है। और एनवायरमेंटल एथिक्स नथिंग बट जीएम क्रॉप डिबेट, और अभी जो पेरिस क्लाइमेट सेशन समिट्स के बाद जो भी चल रही है क्लाइमेट चेंज के नेगोशिएशंस के थ्रू, वो एनवायरमेंटल एथिक्स पे आती है। तो ये है, तो वर्चू एथिक्स हम पढ़ेंगे वैल्यूज़ वाले सिस्टम में। वर्चू एथिक्स कुछ नहीं है, वर्चूज मतलब जो मोस्ट डिजायर्ड और पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ में बहुत कुछ आएंगे, वैल्यूज़ में आप एम्पथाइज भी कर सकते हो, आप एम्पथाइज ना भी करो, आपकी खुद वैल्यू सिस्टम है ना, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ आते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ जो भी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो सब वर्च्यू एथिक्स में आएंगे। तो अभी ऐसे एथिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये पता है कि अभी तक एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए, एक तो है एसेंस ऑफ एथिक्स। एसेंस ऑफ एथिक्स क्यों? क्योंकि आपके ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस लेके आने के लिए, आपको रैशनल थिंकिंग करने के लिए, देन एक अच्छे से डिसीजन मेकिंग कहाँ पे, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल, बिजनेस, इंटरनेशनल वाइज, और एक सॉल्यूशन लेके आएगी कि लॉ एंड मोरालिटी को बैलेंस करते कैसे हम आगे बढ़े। एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स देती है, स्टैंडर्ड देती है कि ये चॉइसेस हैं, आपको इतना अच्छे से बेटर डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। आप मॉरल एम्बिग्विटी को दूर करती है, मॉरल एम्बिग्विटी मतलब कुछ नहीं, मॉरल डिलेमास, दैट्स इट। डिस्कम्फर्ट जहाँ पे भी मोरालिटी को आती है वहाँ पे दूर करती है ये, और कलेक्टिव गुड्स ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ये आगे बढ़ती है।
तो हमने देखा था कि एथिकल डायलेमास में बहुत सारे बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, चैलेंजेस हैं, जैसे कि आप इग्नोरेंट हो किसी चीज़ को, आपको पता ही नहीं है वहाँ पे। जैसे कि हम सेना में, हमारे सेना में एयरफोर्स वाले में स्पेशली जब MIG या फिर फाइट ऑफ फ्लाइट्स को लेके बॉर्डर पे दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे अगर उनको पता चला कि टेररिस्ट कैंप्स हैं, फिर भी वहाँ पे बॉम्ब करना ही चाहिए। मान लीजिए कि एक दो सिविलियन वहाँ पे रहेंगे, तो कैसे इन सोल्जर्स को, एयरफोर्स वाले पायलट्स को डिसाइड करना चाहिए कि बॉम्बिंग करना ही चाहिए कि नहीं उस टेररिस्ट कैंप में, कैसे डिसाइड कर लेंगे? ये तो इग्नोरेंट है वहाँ पे सिविलियंस है कि नहीं। अगर मान लीजिए 2-3 सिविलियंस मर गए, तो आप कह सकते हो कि ही इज़ वेरी अनएथिकल पर्सन? नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, स्क्रूटनी कैसे कर सकते हो? आपकी हर रोज़ की हैबिट है, आप हर वैल्यूज़ और ये वैल्यू सिस्टम और कस्टम बेस्ड सिस्टम है। खाप पंचायत आप कहते हो तो अनएथिकल है, कैसे? बट वो कस्टम है, कैसे कह सकते हो? तो यही है, इसका कोई राइट और रॉन्ग वर्सेस कुछ नहीं है, सब कुछ राइट वर्सेस राइट ही है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ एथिकल स्क्रूटनी है और अप्रोचेस टू एथिकल डिसीजन मेकिंग। आप सिर्फ सेम अप्रोच लाइक थियोलॉजिकल आउटकम बेस्ड है, तो आउटकम बेस्ड अप्रोचेस इन एथिकल डिसीजन मेकिंग लेते हैं, उसमें यूटिलिटेरियन राइट्स, जस्टिस, कॉमन गुड और वर्च्यू अप्रोच रहते हैं। तो इसके इसके लिए मैंने PDF में ज़्यादा पोर्शन दे रखी है, यहाँ पे सिर्फ हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है यूटिलिटेरियन क्या होता है, राइट्स और जस्टिस अप्रोच, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी दे रखी है PDF में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देन थॉमस एक्विनास, ये बहुत फेमस पर्सन है जिन्होंने ह्यूमन एक्शन को एथिकल बनाने के लिए 3 चीज़ों का उपयोग किया। पहला था नॉलेज, विदाउट नॉलेज कोई कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि आगे फ्यूचर स्कोप बोलते हैं ना कि आपको फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट होना चाहिए। जैसे कलाम जी जब इस मिसाइल डेवलपमेंट में काम करते थे, उनको पता है कि इंडिया को उस लेवल तक, उस मिसाइल मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लेवल रेंज तक लेके जाना है, उनके आगे तक विजन थे। तब ये तभी होगा जब नॉलेज है, नॉलेज ये नहीं कि बुक्स की नॉलेज है, आपको पता है कि आपके कंट्री को सुपर पावर बनाना है 10-20 साल के बाद। तो यही है, नॉलेज इज़ लाइक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सम एनी काइंड ऑफ एन एक्ट। आप भी जो भी करते हो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पे आप ब्यूरोक्रेट हैं, वहाँ पे बहुत सारे लैंड स्कैम्स हो रहे हैं, तो लैंड स्कैम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कौन कौन बेनिफिशियरीज इफेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे और बाकी के स्टेक होल्डर्स कौन है उस इश्यूज़ में, ये भी पता होना चाहिए। देन फ्री विल क्या है? अभी एग्जाम्पल्स लेते हैं एक न्यूज़पेपर के थ्रू कि कंस्ट्रक्शन लेबरर्स लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग मतलब मारपीट हो जाती है, उनको रस्सी से पेड़ पे बांध देते हैं और फिर जूते चप्पल से मार देते हैं। सो वैसे वाले क्यों मारते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये मुस्लिम है तो ये टेररिस्ट है, या फिर ये बीफ खाता है तो ये एंटी सोशल एलिमेंट है, ऐसे समझ के उनको मार देते हैं। तो क्या होता है, बाकी जो लोग देखते हैं इस ऐसे एक्ट्स को, वो तुरंत फ़ोन निकाल के वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। और पर उनके पास एक और भी ऑप्शन था, वो खुद जाके उनको सेव करके हॉस्पिटल में एडमिट भी कर सकते हैं। तो इस दौरान आपको क्या है, फ्री विल है। फ्री विल मतलब आपको क्या लगता है आप कुछ भी करोगे? अगर मैं रहूँगी तो मैं कहूँगी तो मैं जाके उसको हेल्प करूँगी, या फिर मेरी दूसरी फ्रेंड है उसको लगता है कि ये सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो तो ज़्यादा हड़ताल हो जाएगी दुनिया भर की, मतलब इंडिया भर में, ताकि कुछ लॉ लेके आएंगे, उसकी सोच दूसरी होगी। एक और फ्रेंड है, उसको लगेगा यही है कि अरे बस उसको तो फन ही चाहिए, वो वीडियो निकाल के बस वायरल कर देगा व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी। तो ये फ्री विल है, अपना अपना खुद का फ्री विल है। तो आप तो एक नॉलेज है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम पे आप डिसीजंस लेते हो, एक फ्री विल पे डिसीजंस लेते हो, दूसरा है वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस नथिंग बट नॉर्मल है, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि हम मनी के ऊपर चेस करते हैं, क्यों? ये तो नेचुरल है, ह्यूमनिस्टिक नेचर है, लेपर्ड चेजिंग डियर, ये नेचुरल है। तो दिस आर लाइक वॉलंटरी एक्शंस, अंदर से आती है, ये कोई लॉ डिटरमिन नहीं करती, ये कोई सोसाइटी डिटरमिन नहीं करती, खुद अंदर से ही आती है वॉलंटरी एक्शंस। फिलेंथ्रोफी किसी ने नहीं कहा था कि आप दे दोगे तो पुण्य मिल जाएगा, ओके? लाइक बिल गेट्स को किसी ने नहीं कहा था कि आप दे दो आपका भलाई हो जाएगा, आप 100 साल और जिएंगे, ऐसा तो नहीं है, पर फिर भी क्यों दिया? क्योंकि उनका वॉलंटरी एक्शन ये सब, ठीक है? तो यही है, पार्ट 2 विल बी कंटिन्यूड। ये पहला पोर्शन तो आपको सिर्फ एथिक्स क्या समझाने की है, आगे सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि टॉपिक्स इतने वाइड और इतने बढ़िया टॉपिक्स हैं ना, और सिलेबस के थ्रू भी इतना शानदार
तरीके से मैं पढ़ाऊंगी आपको, आपको बस चीज़ों को समझना है। देखा ना आपने पिछले वाले स्लाइड में भी, तो ये एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स करंट अफेयर से निकालना है। ऐसे नहीं कि आपके निजी जीवन से जो भी बनता है, फ्री विल क्या है, मैं कॉलेज जाऊँ कि नहीं, या फिर अब आज बारिश हो रही है आप इंस्टीट्यूट जाऊँ कि नहीं, अब घर पे लेके पढ़ लूँ, ऐसे एग्जांपल से नहीं बनता एग्ज़ाम। आपको पनीर ले लिया या फिर कोफ्ता पनीर, ऐसे एग्जाम्पल से बिल्कुल नहीं बनेगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम बनेगा तभी आप जो एक ब्यूरोक्रेट की तरह, जो सोसाइटी के प्रॉब्लम जो चल रही है आसपास में, अभी जो चल रही है वही लिखेंगे, तभी आपका पेपर अच्छे से होगा, एक अच्छे से डायमेंशन लेके आ पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सीरीज़ कंटिन्यू, बिल्कुल ये सीरीज़ कंप्लीट कर दिया जाएगा, आपको कोई ये डाउट नहीं रखना चाहिए आपके अंदर, बस एक एक सीरीज़ कंटिन्यू दिखता जाएगा और नीचे आंसर्स भी लिखते जाएंगे, क्योंकि पार्ट टू में मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ। इस पार्ट में सिर्फ टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए ये स्लाइड्स बना दिया मैंने। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर तो करिए सारे जनों के बीच में, क्योंकि नॉलेज इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज व्हेन यू शेयर। शेयरिंग इज़ केयरिंग फ्रेंडशिप में, जैसे ऐसे ही नॉलेज में भी शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत खूब मेहनत करिएगा मंजिल तक पहुँचने के लिए, हर रोज़ खुश रहेगा, एकदम स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ भारत बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं पार्ट टू, तो जय हिंद तब तक।